तो कैसे हो दोस्तों, ठीक हो? तो चलिए आज मैं रेसिपी में लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी सब्जी, जो घर में हमारे दो तीन आलू रखे हैं, और जब आपके पास सब्जियाँ नहीं है तो आलू की कितनी टेस्टी सब्जी हम बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ मिर्ची हरी और प्याज, ज़्यादा सामान इसमें हमें नहीं ऐड करना, बहुत कम सामान। और सब्जी अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ऐसी सब्जी बनेगी कि सारी सब्जियों को फेल कर देगी। तो आलू तो हमारा देखते बहुत ही अच्छा होता है, आलू की सब्जी अगर बनाएंगे आप तो। इसके बाद हमारा मिर्ची प्याज हल्का सा भून गया, तो इसके बाद मैंने लिया है प्याज अदरक का पेस्ट दोस्तों। ये मैंने इसमें लहसुन बिल्कुल नहीं डाला है, और बिना लहसुन की सब्जी बनाऊंगी मैं। तो अदरक और प्याज का पेस्ट था, इसको मैंने ऐड किया है, और ये हल्दी मसाला ऐड किया है, और सब्जी वाला मसाला जो होता है इसको ऐड किया है। थोड़ा सा मन करे तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे क्या सब्जी और हमारी अच्छी लगती है। तो सब मसालों को हम भून देंगे, तो मसाला जब हमारे जैसे भून जाएगा तो सब्जी वैसे ही अच्छी बन जाती है। तो मसाले पर हमें ध्यान देना है कि मसालों में अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लगे, यानी कि हमारा मसाला हल्का सा भून चुका है। तो जब मसाला हमारा हल्का भून गया तो मैंने इसमें टमाटर एक कटा हुआ ऐड कर दिया। टमाटर भी थोड़ा सा मैंने भूना, तो उसके बाद जब टमाटर में भून गया तो जो हमारी बॉयल आलू रखी थी, करीब मैंने तीन आलू को बॉयल करके अच्छे से काट दिया था थोड़ा छोटे पीस में, ठीक है। अब इसको मैश करके भी ऐड कर सकते हैं, अपने तरीके से लोग बनाते हैं। तो मैंने छोटे छोटे उसको पीसों में काट दिया है। अब आलू को ऐड करने के बाद 1 मिनट के चलाते हुए आलू को भी हम अच्छे से भूनेंगे, तुरंत पानी ऐड करेंगे, ठीक है। और इसमें पानी जब हम ऐड करें तो गर्म पानी ऐड करेंगे, तो गर्म पानी ऐड करने से हमारी सब्जी अच्छी बनती है। अगर हम ठंडा पानी ऐड करेंगे तो हमारी जो सब्जी गर्म होती है इसकी तासीर ठंडी होने से उसके स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो कभी आप बनाइए तो जो वो सब्जी है तो उसमें आप गर्म पानी करके ऐड करिए। उसके बाद पानी ऐड किया मैंने, और उसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक धनिया ऐड करके करीब 10 मिनट के लिए सब्जी को मैंने ढक के रख दिया था। 10 मिनट में सब्जी बन चुकी थी। तो 5 मिनट बन सकती है, आप फ्लेम के हिसाब से होता है कि आपकी सब्जी कितने टाइम से पकती है, ठीक है। तो देखिए हमारी सब्जी बन के एकदम रेडी हो चुकी है दोस्तों। उसमें ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं डाला, बहुत ही थोड़ा सामान में, और सब्जी दो तीन आलुओं से इतनी टेस्टी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा बस धनिया ऐड करेंगे। अच्छा सब्जी आप बनाइए, इसको चावल से आप खाइए, इतना टेस्टी लगता है ना। तो बच्चों को अगर कुछ भी ना हो तो दो तीन आलुओं की इतनी टेस्टी सब्जी बना खा सकते हैं। बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को पसंद आता है दोस्तों। आप लोग मेरे से थोड़ी सी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।